हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूँ अनिकेत अग्रवाल। रिसेंटली एनएसओ ने रिलीज़ किया है पीएलएफएस। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स का क्राइसिस जो था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पे, लोगों की लाइफ पे, मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ पे इफेक्ट पड़ा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो टॉपिक है अपने आप में प्रिलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है, प्लस ये फोटो पॉइंट की तरह भी एक्ट करेगा जिसको आप अपने आंसर्स को, इंटरव्यू के क्वेश्चंस को या फिर एसेज को एनरिच करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एनएसओ क्या है? एनएसओ इज़ योर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एंड पीएलएफएस क्या है? ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है। जब आप ANI 7 यूज़ करोगे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डाटा बेस है ये एनुअल नहीं है। एनुअल रिपोर्ट जो आती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, उसके अंदर रूरल और अर्बन एरियाज को पूरी तरह कवर किया जाता है। एंड ये जो प्रेजेंट रिपोर्ट है इट इज़ अ क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, ये क्वार्टरली रिपोर्ट है तो ये 3 महीने की रिपोर्ट है। इसके अंदर अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो कि अर्बन एरियाज के अंदर चल रहा है या अर्बन ट्रेंड्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, उन्हीं को हम हाईलाइट करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जो एनुअल रिपोर्ट आएगी उसके अंदर अर्बन और रूरल दोनों को कवर करेंगे। बिकॉज दिस इज अ क्वार्टरली रिपोर्ट, ये सिर्फ अर्बन एरियाज पे फोकस करती है। एंड ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि क्वार्टरली रिपोर्ट लिख देंगे एंड फिर आपको अर्बन एंड रूरल दोनों लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। अगर इस रिपोर्ट की हाईलाइट्स की बात करें तो इनके हिसाब से जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.9% रहा अक्टूबर और दिसंबर 2019 में, एज कम्पेयर टू 9.9% इन अक्टूबर एंड दिसंबर 2018। इसके अलावा जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हुआ था 2019 के अंदर। एंड जो मेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नॉर्मल सा ही रहा था उसके अंदर भी। अदरवाइज अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिक्रीज जो है वो देखने को हमें मिला था। अब स्टेट वाइज डाटा की अगर हम बात करें तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है देन द नेशनल एवरेज। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उत्तराखंड में, तेलंगाना में, केरला में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और आंध्र प्रदेश में। तो ये जो हाई पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो ये 37.2% रहा अक्टूबर दिसंबर 2019 में, फ्रॉम 36.3% जो कि 2018 में था। तो देखिए डाटा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो डाटा को हम छोड़ सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टर्म्स से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आ गया यूआर। यूआर मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। यानी कि जितने भी लोग आपकी लेबर फोर्स में हैं, यानी कि जो काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उनमें से जिनको काम नहीं मिल रहा वो सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस तरह से हम निकालते हैं। फिर आ जाता है आपका LFPR, ये होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये डिफाइन किया जाता है एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स, चाहे वो वर्किंग हो या फिर वर्क ढूंढ रहे हो, जो कि पॉपुलेशन के अंदर आपके पास हैं। यानी कि कोई भी पर्सन आप लगा लीजिए जो 18 साल से ऊपर का है, वर्क कर सकता है, वर्क ढूंढ रहा है या एक्चुअल वर्क कर रहा है, वो सारे के सारे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR होता है। इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, यानी कि जिनको रोजगार मिल चुका है। उसके बाद आ जाते हैं आपका एक्टिविटी स्टेटस। एक्टिविटी स्टेटस का मतलब कि कौन सा पर्सन जो है वो उस एक्टिविटी उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर कर रहा था। यानी कि बेसिकली जैसे हम पढ़ाई में गैप ईयर बोलते हैं उस तरीके से, तो आप इस टाइम से इस टाइम तक या फिर आप तो लगाइए आप लॉकडाउन पीरियड के अंदर किस चीज़ की, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर क्या एक्टिविटी आपकी थी, आप एक्टिव थे, इनएक्टिव थे, डोरमेंट थे, क्या कर रहे थे। उसके बाद आता है आपका यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस का मतलब होता है आपका 1 साल का एक्टिविटी स्टेटस। तो 1 साल का एक्टिविटी स्टेटस यानी कि 365 डेज का अगर हम ले लेते हैं तो वो हो जाता है आपका यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस। उसके बाद आता है आपका करंट वीकली स्टेटस, CWS। CWS क्या होता है? द एक्टिविटी स्टेटस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 7 डेज प्रिसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। तो आपका जो आखिरी सर्वे से पहले के 7 दिन का होता है तो उसको हम बोलते हैं करंट वीकली स्टेटस। तो उस वीक के अंदर आपने किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, क्या काम किया, वो सारा का सारा आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस सर्वे।
जो आपको पता होनी चाहिए एंड जो आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट द टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया कीजिए, तो ये फ्री टेस्ट सीरीज है, डेली 7:30 PM पे होती है एंड 20 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं और 20 मिनट के लिए कराए जाते हैं, 40 मार्क्स के टेस्ट होता है। और इससे आपको साथ के साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ जो आपने आज करंट अफेयर्स करे उसमें से आपको कितना कुछ आता था, कितना कुछ नहीं आता था, कितना कुछ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज जिसको आपको डेली करना चाहिए। सो आई होप आप लोग अपने स्कोर जो है वो सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज, अनअकैडमी प्लस है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कम्प्लीट UPSC CSE प्रिपरेशन। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, जिनको आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक एजुकेटर पसंद ना आए तो आप दूसरे एजुकेटर के क्लासेस देख सकते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों तरह के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम ओनली से हैं तब भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इंग्लिश मीडियम ओनली है तब भी कंप्लीट सोल्यूशन है। एंड अगर आप बायलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि आप हिंदी में समझना चाहते हैं और इंग्लिश में आपका अटैम्प्ट होता है, इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो बायलिंगुअल बैचेज भी हमारे पास अवेलेबल है। लेट नाइट बैचेज रहते हैं और 2 साल के बैचेज रहते हैं, जो लोग अभी कॉलेज में हैं और अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। सो लेट नाइट बैचेज अगेन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो आप उस टाइम पे आराम से पढ़ सकते हो। 100% सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छुड़वाया जाएगा, 100% कंप्लीट कवरेज होगी अनलाइक अदर ट्यूशंस। इसके अलावा आपको वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल मिल जाती है, तो आपको पता है 23 के करीब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं UPSC CSE में, हमारे पास मैक्सिमम तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, इसके अंदर भी आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आंसर्स दिए जाते हैं, रीजंस दिए जाते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज की भी हम पूरी इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपके आंसर्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो अगर आपको क्लास के बाद कोई भी डाउट रह जाए तो आप अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, और मैंने आपको कहा भी था कि 20 क्वेश्चन हमारे डेली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करने होते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा एसेज के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमारे डेडिकेटेड लेक्चर्स होते हैं, तो आपको पता है कि एसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने किसी भी टॉपर टॉक देखी हो तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि एसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसेज को आपको स्किप नहीं करना। तो एसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसीलिए एसेज के ऊपर भी हम खास ध्यान देते हैं, एंड यहाँ पे आपके मेंस के अंदर कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप सोचो प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं 1-2 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता भी हूँ, जो भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं आप उसका 150 से 200 शब्दों में खुद से एक समरी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है और आपका कौन सा वीक पॉइंट है जहाँ पर आपको जो है फंक्शन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्शनल क्विजेज होती हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की क्विज होगी, उस क्विज के अंदर आपको देखा जाएगा कि आपकी इवैल्यूएशन कितनी आ रही है। सपोज करो पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या जुरिसडिक्शन, तो इस तरीके से आपकी जो क्विजेज हैं वो डिजाइन की जाती हैं। एंड लास्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम आपको करवा के देते हैं। सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। एंड इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस, डू यूज माई कोड ANI7, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।